पता चला कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें ये ताम झाम पूरा मैं करके आया, वरना मैं ऐसे नॉर्मल चल के आता। अच्छा, आता से याद आया, आता माजी फटकली। सुनिए, पहले ये हेडफोन उतारिए जो आपने लगाए हुए हैं। इसमें हेयर है, इसमें हेयर स्टाइल। अरे यार शर्मा, वकील साहब आया, कोई यार कुर्सी कुर्सी तो मंगा दो जरा। अरे बैठो बैठो बैठो, आप वकील साहब आइए। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ, पेट उतार के रख दो, थकना जाना। मैं चाहता यही था, मैं तो बस खाली हिचकिचा रहा था थोड़ा। यू आर एन आउटस्टैंडिंग पर्सन यार, कीप स्टैंडिंग। वैसे मैं अपना तारुफ करा देता हूँ, माई सेल्फ दामोदर जेठ मलानी, मैं इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ सर। क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपका नाम तो दामोदर मलानी नहीं है? नहीं, दामोदर मलानी नाम है मेरा, जेठ मैंने बीच में घुसेड़ा है। सर मुझे क्या रियलाइज हुआ यहाँ पे, मैं सर आपको बताता हूँ, ये सामने की जो कुर्सी है ना, यहाँ पे तीन धाम वाले ही टिकते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, अर्चना पुरन सिंह। सर दो नाम वाले बेचारे यहाँ स्टेज पे मजदूरी करते हैं, कपिल शर्मा, कृष्णा अभिषेक, और एक नाम वाले को तो कोई पूछता ही नहीं, चंदू। वेल सर, लेट मी गिव यू माई विजिटिंग कार्ड, इट्स हियर इन माई पॉकेट। Yeah, you can have, sir, my card. Sir, that's my card. इसमें साफ साफ लिखा है कि भाई कांड करेंगे आप, संभालेंगे हम। सर आपका कोई भी केस होगा बताइएगा, मैं पहली सांस तक लड़ूंगा। पहली सांस? पहली सांस तक? नहीं, मैं उसके बाद मैं हार जाता हूँ ना। भाई ये झूठ बोल रहा है, कोई वकील नहीं है ये, काला कपड़ा पड़ा था इनके घर पे, थोड़ा सफेद भी पड़ा था। ये शर्मा, ये गलत बात है यार, ऐसी बात नहीं है, घर पे मेरा सफेद कपड़ा भी था, मैं चाहता तो अब्बास का मस्तान भी बन सकता था। लेकिन क्या है कि मुझे लॉ में चिल्दस्पी है। क्या है? चिल्दस्पी, दिलचस्पी। हाँ वो भी है। आपने अपनी ये जो फिल्म है, ये आपने अपनी जो चलिए तो आपकी ये जो फिल्म है, ये आपने OTT पे बेची, अगर आप मुझसे एडवाइस लेते, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए लीगल सल्टेंटेंट। आई एम अ लीगल सल्टेंटेंट, कंसल्टेंट। यार तुम्हें दिखाई दे रहा है आदमी से नहीं बोला जा रहा है तो क्यों गुस्से हो? समझ जाओ ना बात को। अब आपकी जुबान अगर इतनी साफ है माई डियर, तुम मुझे कह के दिखाओ, कच्चा चाकर पक्का काचड़। अरे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ होता है। सल्टल्टी नहीं कहा जा रहा, ये कहाँ से कहूंगा यार। इफ यू डोंट माइंड, एक बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अजय सर। मैंने रियलाइज किया आप काफी उल्टा चलते हैं, मतलब आपकी फिल्म आई शिवाय, उसमें आपने हिमालय पे एक गोरी लड़की पटाई, फिर दृश्यम में आप गोवा में सत्संग में गए हुए थे, यानी कि जो काम गोवा में करना है वो आप हिमालय पे कर रहे थे, और जो हिमालय में करना है वो गोवा में। तो वो करते हैं तो उनको करने दो, आप जाओ अपना काम करो। मैं ऐसे कैसे चला जाऊं यार, नूरा जी भी आई है, बात तो करूंगा ना। नूरा जी, आई जस्ट वॉन्टेड टू से माई नेम इज दामोदर, इट इज, यू कैन कॉल मी दामू। वो आपको दामू क्यों बुलाएंगी? डायरेक्ट हबी बुलाएंगी अच्छा नहीं लगेगा यार, एक प्रोसेस होता है। अभी दामू बुलाएंगी, फिर जानू बुलाएंगी, फिर सोना बुलाएंगी, जानू, फिर मेरे बाबू ने ताना ताया बुलाएंगे। इट्स अ प्रोसेस, वन हैज टू फॉलो। लाइक द एमी जी हैं, इन्होंने पंजाबी गाने गाए, फिर पंजाबी फिल्में की, फिर अपना हिंदी का म्यूजिक वीडियो किया, तब जाके कपिल शर्मा शो पे आने का मौका मिल गया। बट सर आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, मैंने देखा पंजाबी सिंगर में इनके गानों में हॉट लड़कियां नहीं होती हैं, स्पोर्ट्स कार नहीं होती है, दारू नहीं होती है, मतलब कायदे से देखा जाए तो पंजाबी सिंगिंग के आलोकनाथ बैठे हैं आज हमारे पास। वकील साहब एक बात बताओ, या आप इतनी फालतू बातें करते हो तो आपको अपने आप को वकील बोलते हुए शर्म नहीं आती?
यार शर्मा, नेवर कवर अ जज बाय बुक. क्या? नेवर जज कवर बुक बाय द. दोबारा बोला क्या? नेवर डू कवर बुक जज बाय द कवर द इज द बाय. नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. हाँ, तो जो भी है यार, एक जज और वकील के बीच में क्यों गुस्से हुआ? Anyway, यार ये सारी बातें तो होती रहेगी. हमारे साथ केलकर सर भी आए हुए हैं, तो मैं इनसे जरा बात कर लूं. तो यार आपने बाहुबली को आवाज दी. जरा मेरी बेटी को आवाज दे देंगे? सुनती नहीं है यार. यहाँ पर यहाँ पीछे ही रहती है. आपकी आवाज लेकिन माननी पड़ेगी. आप बोलिए, आप बोलिए. ऐसे कैसे बैठूंगा यार? कभी कर लो. I'm saying that आपकी आवाज is brilliant. It's very heavy. Fit है आपकी, वजन है आवाज में. Very good. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी आवाज ही अच्छी है, बॉडी अच्छी नहीं. आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी है. Very good. You're very fit. और मुझे कोई शर्म नहीं, आज इन सबके सामने मैं कहता हूँ, you are fitter than me. बस सर, आपने सर्टिफिकेट दे दिया, बहुत अच्छा. यू आर आई एम नॉट जोकिंग. वकील साहब, आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बैठे और कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं आप? तो मेरी फालतू की बातों के सामने आपने सेलिब्रिटीज बैठाए क्यों? वकील साहब, आप घर जाइए, हो गया आपका, बहुत हो गया. घर क्यों जाऊं यार? घर पे क्या अकेलापन काटने को दौड़ता है? पर आपके घर में तो आपकी बीवी दो बच्चे भी हैं. वो तो है, वो मेरा डॉगी है, उसका नाम है अकेलापन. वो काटने को दौड़ता है. सर, मैं यहाँ पर आपके फायदे की बात ही करने आया हूँ. उनका क्या फायदा है? मैं बताता हूँ. आई एम ए लॉयर सर, तो मैं पेटेंट भी कराता हूँ. और सर, अजय सर, आई हैव सीन, आप अपनी आंखों से एक्टिंग करते हैं ब्यूटीफुली. तो मैं कहता हूँ, अपनी आंखों को आप पेटेंट करा दीजिए. मैं अभी अभी वो पंकज त्रिपाठी की गर्दन का करके आया हूँ. नहीं, मसाज. मैं वो भी करता हूँ सर, एवर यू नीड डीप टिश्यू आई डू. वो इंटरेस्टेड नहीं है, जाओ आप. मैं तो नोरा जी से बात कर लेता हूँ. नोरा जी, आई सॉ दैट वन सॉन्ग आपका. ओहो, हाय गर्मी, ब्यूटीफुली आपने जो डांस किया है उस पर दिल को छू गया. मजाक नहीं कर रहा हूँ सर. हैव यू सीन द स्टेप? इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप. इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप. इतना बोला तो नहीं था मेरा स्टेप. नहीं, लेकिन बेस्ट पार्ट इज कि मैंने तो खाली स्टेप किया, वो स्टेप में ट्रैवल करती हैं सर, वो आगे भी जाती हैं. तो वेरी नाइस, वेरी नाइस. आप अगर मेरी सलाह माने तो आपने ये हाई गर्मी जो टर्म है, इसको पेटेंट कर दीजिए. अब क्या होगा, दुनिया में कहीं भी किसी को भी गर्मी लगेगी और कहेगा हाई गर्मी, उसको आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी. और बैठे बैठे कमाने वाली हिंदुस्तान की आप दूसरी औरत बन जाएंगे. पहली कौन है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.